से सारा आपको भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी की लाइट आई और अब गाड़ी की लाइट आ गई ना, तो अब भगाऊंगा मैं, देखो कैसे। हेलो माय टू फैमिली, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आप सभी का स्वागत है मेरे स्नेह ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला कुछ खास, क्योंकि ये अपनी सबसे लंबी राइड होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। जहाँ जा रहा हूँ वो तो आपको थंबनेल में देख जाएगा, बट वीडियो को पूरा देखना यार, तभी तो मजा आएगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र है। और अपनी परी हो गई है रेडी, उसको भी दिखा देता हूँ। मैं तो हो गया रेडी, बट परी को भी दिखा देता हूँ। तो अपनी परी हो गई है रेडी, राइड के लिए तैयार है, क्योंकि ये परी की सबसे लंबी राइड होगी आज। और मौसम हो रहा कुछ ऐसा, सुबह से बारिश लगी है, 7:30 बज गए, और ये देखो सनफ्लावर, 7:30 बज गए। और यार मुझे निकलना था 5 बजे, बट सुबह से बारिश लगी है, तो इसलिए मैं हो गया थोड़ा लेट। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ डंडेश्वर। ये देखो, हर हर महादेव, सब पे कृपा बनाए रखना। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो बारिश की वजह से मैं लेट हो गया था यार, करीब 2 घंटे। तो कोई बात नहीं, लेट ही सही, पहुंचना मंजिल पे है। तो मिलते हैं आपको सीधे आगे। तो कुछ ऐसा हो रखा है यार मौसम, कुछ दिख नहीं रहा इधर उधर, रोड पे दिख रहा है, बट कहीं कहीं पे इतना कोहरा लगा ना, वहाँ भी देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो सब जगह कोहरा ही कोहरा लग रखा है, पता नहीं बारिश कब तक रुकी रहेगी। अगर पूरे दिन रुक जाए ना तो मजे आ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे सीधे हल्द्वानी। तो अभी मैं पहुंचा हूँ धसपड़, ये वो जगह है धसपड़। तो करीब होगी अपनी 12-13 किलोमीटर राइड, और ये इतनी मस्त जगह है ना, ये देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है ये। तो यहाँ पे मुझे एक हिरन दिखा है, आपको दिखाता हूँ। वो देखो सामने भाग गया, वो रहा हिरन, जंगली हिरन। ये देखो भाग गया भाई, वो देखो, वो देख रहा है मेरे को वहाँ से, वो भाग गया। तो अपने को वहाँ पे जाना है, और रोड देख सकते हो कैसे सीढ़ीदार बन रखी है यार, एकदम मस्त सी। एक रोड तो मैं क्रॉस कर आया यहाँ पे, और अब नीचे को है ऐसे रोड ये, और फिर नीचे जाके आगे ये दूनाथल पहुँचने वाला हूँ। मैंने वैसे वीडियो बनाने के लिए दूसरा ब्रेक लिया, बट अभी तक पानी वगैरह पीने के लिए एक भी ब्रेक नहीं लिया है। वो तो एक हिरन मिल गया था, वो उसे कैप्चर करने के लिए रुका था मैं, बाकी मैं रुकता नहीं, क्योंकि अपना टारगेट था कि आज 30 किलोमीटर कंटिन्यू राइड करूं, बट हो नहीं पाया, 20 किलोमीटर हो पाया। तो अभी मैं यार सांगड़ कोई जगह है दूनाथल से आगे, तो वहां से आगे निकल गया, और ये देखो मौसम कैसा हो रखा है। तो अभी धानाचुली 34 किलोमीटर है, सुहाखान जहाँ से मैं आया वो 24 किलोमीटर पीछे है, सैरपाटक 12 किलोमीटर है। तो अपना को जाना है इस साइड, ये डोल वाली रोड है, डोल आश्रम वाली। तो चलिए चलते हैं। तो अपनी पति जहाँ पे खड़ी है ना, उसके सामने दिखता है डोल आश्रम। ये देखो, ये है डोल आश्रम, वहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जय शिव शंकर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और जिन लोगों ने अगर डोल आश्रम की पूरी वीडियो देखनी है ना हिस्ट्री के साथ, तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, मैंने ऑलरेडी डोल आश्रम की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं निकल रहा हूँ यार अभी डोल आश्रम वाली रोड से। ये देखो, ये डोल आश्रम सामने है, और ये है डोल आश्रम वाली रोड। रोड एकदम मक्खन सी हो रखी है, मस्त सी। ये देखो मजे आ गए भाई, जितनी चढ़ाई में हालत डाउन हुई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा इस डाउन में चलाने में मजे आ गए। अपनी फेवरेट ट्यून, तो आप भी अपनी फेवरेट ट्यून बना लो इसको, जूम। खाली रोड दिखे तो वहां पे भगाओ, जूम बोल के। तो अभी यहाँ पे अपना चल रहा है रेस्ट, और खाना चल रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से दिन में बस एक बारी एक स्कूप प्रोटीन लिया। प्रोटीन क्या, उसमें ज़्यादा काब है, तो इसलिए एनर्जी बहुत देता है वो। 2 घंटे कवर कर लिया उसने, अब मेरे को लगी थी ज़्यादा ही थकान और भूख, तो ले रहा हूँ मैं स्प्राउट। और ये रही अपनी परी, खा के सीधे मिलता हूँ आपको सीधे राइड पे। 4:30 का टाइम है, और ये है पद्मपुरी आश्रम। ये देखो अभी यहाँ पहुँचा हूँ यार, अभी जल्दी जल्दी निकलना है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में, क्योंकि वो पूरा अपील था ना, उसे कवर करना बड़ा मुश्किल हो गया, एक तो एनर्जी लो हो गई एकदम से, तो अपने को अब ये अपील पार करना है। हो गया अभी 5 बज गए, तो यार ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो मैंने ब्रेड ऑमलेट बना लिया है,
ये देखो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, तो इसे इंजॉय करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधे राइड पे। मस्त सा ब्रिज और यहाँ से है नदी और ये है ब्रिज, पहला ब्रिज मिला मुझे आज, आज की राइड पे पहला ब्रिज है। तो फिर भूख लगी यार मेरे को अंकल जी से, नमकीन ले रहा हूँ, अभी हम लेट आया था बेटा, फिर भूख लगी, ये वाले दे दो, दो दे दो, तो नमकीन खा के चलते फिर आगे की साइड। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा हल्का सा डाउन आया, मज़ा आ गया भाई। और ये देखो अंधेरा होने वाला है, ये है लोकेशन, क्योंकि मैं इस रूट से पहली बार आया हूँ तो कहीं नाम भी नहीं दिख रहा मेरे को बोर्ड पे। देखो सोनगांव, हाँ सोनगांव के पास पहुँचा हूँ मैं, देख सकते हो ये है सोनगांव। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यार ये भीमताल, ये है भीमताल। तो अब जल्दी निकलता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है, देख लो अब कितना टाइम हो गया, 6:30 होने वाले हैं, तो मुझे निकलना है जल्दी। तो ये देखो यार भीमताल के पास में कोई रिसोर्ट है, कितना मस्त रिसोर्ट बना रखा है यार, एक नंबर। देखो डेकोरेशन पूरी एक नंबर की। ये है भाई सिटी की लाइफ, काठगोदाम की पहुँचने ही वाला हूँ मैं, दोस्त आके रुका हुआ है वहाँ पे, तो वो मेरा वेट कर रहा है, उसकी वजह से मैं 5 मिनट यहाँ पे रुक गया, कॉल लग नहीं रही थी। तो देखो चमचमाती गाड़ियाँ, सिटी में राइड करना इजी है यार, बट थोड़ा ट्रैफिक का डर होता है, बाकी इतनी कोई चढ़ाई नहीं, आराम से बंदा 2 पैडल मारे निकल लेगा, बट मेरे को तो पैडल मारने की ज़रूरत पड़ रही है अभी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना चढ़ाई है, हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, हल्की सी। क्यों माँ शीतला मंदिर, जय माता दी, मुझे लग रहा है बारिश की बूंदें भी निकल रही हैं, सॉरी निकल रही नहीं, आ रही हैं, देखते जाओ आप ट्रैफिक को। मुझे वीडियो बनाने का इतना मौका नहीं मिला यार, क्योंकि अपने को ना यार जल्दी जल्दी पहुंचना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था, अगर मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ, अगर रुक जाता हूँ कहीं पे, फिर फ़ोन चेस्ट माउंट में लगाना तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं। मैंने सोचा जब काठगोदाम पहुँचने वाला हूँ ना तभी बनाऊँगा। कोई तो गाड़ी आ जाए भाई, आ रही है पीछे गाड़ी एक, वो देगी मेरे को सहारा, गाड़ियों का ही सहारा लेके आया हूँ मैं यहाँ तक। अब कैसे लेते हैं सहारा आपको भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी की लाइट आई और अब गाड़ी की लाइट आ गई ना, तो अब भगाऊंगा मैं, देखो ऐसे गंदी वाली, क्योंकि जो पीछे की लाइट है ना उससे पूरी रोड क्लियर दिख रही है, तो अपने को एक पता चल जाता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढे में चले जाए कोई दिक्कत नहीं। अंधेरा कायम रहे, कैमराज किलबिस भी आ सकता है भाई, यहाँ देख रहे हो अंधेरा यार। चौराहा कहाँ है इधर, हल्लवनी का काठगोदाम का चौराहा भाई, बारिश की बूंदे आ रही है, बूंदाबांदी होने लगी, कहीं भीग ना जाऊँ मैं, वैसे ही पसीने से भीगा हूँ और ना भीग जाऊँ कहीं। अब चौराहा कहाँ मिलेगा यार मुझे, चौकी तो मिल गई, कहाँ पे इधर, चलो दूसरी ब्रिज भी पार करते हैं ये, बट दिखेगी नहीं आपको क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो रखा है इधर, दिखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ब्रिज तो पार कर ली मैंने, बट अपना बंदा कहाँ है, कहाँ है वो बंदा, बरेली दिल्ली देहरादून इसी चौराहे पे होना चाहिए था उसको, बट है नहीं वो, चौराहा तो आ गया यार ये। तो अभी परी चल रही है पैदल, क्योंकि हम दो बंदे हैं तो इसमें अकेले तो जाऊंगा नहीं मैं। ये देखो यार भीड़ यहाँ की, ऐसे ट्रैफिक में चलाने में मज़ा भी आता है लेकिन रिस्क भी रहता है, ब्रेक ब्रेक तगड़े चाहिए। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यार हल्द्वानी काठगोदाम, पसीने देख रहे हैं पूरे पसीने से तरबर हो रखा हूँ, अभी नहाऊंगा उसके बाद
अच्छे से फ्रेश होके फिर खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा सीधे यार। बहुत ज्यादा थकान हो गई यार, अभी बज रखे 7:30 और रास्ते में राइड में ना इतने मजे भी आए, और बैड एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे पास लाइट नहीं थी और अंधेरा हो गया था, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने ना दो गाड़ियों के बीच में अपनी परी को रखा था साइकिल को, तो एक की आगे से लाइट दिख रही थी, एक की पीछे से लाइट, जो पीछे वाली लाइट थी ना वो डार्क लाइट थी, तो उससे पूरा आगे का फोकस दिख रहा था, पूरी रोड दिख रही थी, पूरा फोकस मार रही थी ना वो लाइट, तो पूरी रोड दिख रही थी। और जैसे ही मेरे को रोड दिखती थी भाई, मैं फिर खड़े होकर भगाता था, तो मैंने उस गाड़ी को ना आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे उससे फायदा मिल रहा था कि उसकी लाइट से, क्योंकि 25 किलोमीटर मैं उस गाड़ी के बीच में आया, मतलब उन दो गाड़ियों के बीच में आया, इतनी मेंटेन रखी थी मैंने अपनी स्पीड कि मैंने उस गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया, और एक तो डाउनहिल था, कह सकते हो मजा भी आया और कह सकते हो यार एकदम बैड एक्सपीरियंस भी रहा। बट जब आपको बैड एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, जैसे अपने सीखा आज कि जब अंधेरा हो जाए तो गाड़ियों को पकड़ लो, उनकी लाइट के सहारे आप चल सकते हो इजी। तो अपनी सेफ्टी के साथ यहाँ रूम में पहुंच गया हूँ मैं, सेफ्टी के साथ राइड की और पहुंच गया हूँ रूम में। तो यही था यार एक्सपीरियंस आज का अपना जागेसर से हल्द्वानी, तो 125 किलोमीटर के करीब ये राइड थी मेरी, सबसे लॉन्ग राइड थी, मतलब लॉन्गेस्ट राइड थी मेरी आज तक की, ये 125 किलोमीटर पहाड़ से सिटी तक, आप कह सकते हो इसे पहाड़ से सिटी तक राइड थी। तो अब गला भी सूख रहा भाई, पसीने से पूरा गीला हो रखा हूँ, तो कपड़े भी चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद खा के सो जाते हैं। एक बंदा और आने वाला है, आधा घंटा उसका वेट करते हैं, फिर उसे लेने जाना है, उसके बाद सीधे खा पी के सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, सुबह मैं 8-9 बजे ही उठ पाऊँगा, जिस हिसाब से थकान हो रखी है, मेरे को रिकवरी ज़रूरी है, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है ही। तो जो बीच का सफर था ना, वो मैं कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा होने वाला था, और मेरे जो माइंड में चला था ना, वो टारगेट जो था यहाँ अपना जो रूम है दोस्त का, वहाँ पहुँचने का जो टारगेट था ना, वो पूरा करना था मुझे, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि ब्लॉग बनाता तो कम से कम 2-3 मिनट वेट करना पड़ता, कैमरा निकालना पड़ता, वीडियो बनाओ फिर रखो, तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए राइड पे ही ध्यान दिया। और इतना अफील ये मान के चलो 50 किलोमीटर से ज़्यादा अफील रहा आज मेरा, तो हालत होगी बहुत ही ज़्यादा डाउन। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अपना पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ बता दूँ, अपनी इंडिया से बाहर की राइड होने वाली है, इंटरनेशनल राइड होने वाली है, कहीं भी हो सकती है, अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यार प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ वो बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो ईजिली मेरी वीडियो देख सके।